नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 कानपुर ब्रेकिंग। संदिग्ध परिस्थितियों में 18 वर्षीय युवक हुआ गायब। युवक लापता, यह हुआ उसका अपहरण की गुत्थी में उलझे परिजन। थाना छावनी इलाके के बदलीपुरवा निवासी राज निषाद पिछले 2 दिन से है लापता। पीड़ित परिजनों ने युवक के लापता होने की सूचना दी थाना छावनी पुलिस को दी। पुलिस लापता युवक को तलाशने व गुमशुदगी दर्ज करने की जगह परिजनों को कर रही गुमराह। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये हमारा लड़का कल अपनी माँ के साथ राशन लेने गया था। राशन लेकर घर में रख कर दोबारा फिर वो वापस गया। ये बाजेपुरवा गांव में मिला था। उसके बाद ये लौट दोबारा घर नहीं आया है। तो आपने पुलिस को ऐसी सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना शाम को मिली। तो पुलिस आई अभी तक? पुलिस नहीं आई। दोबारा आप गए? दोबारा भी गए तो लिखा पड़ी उनकी पूरी पक्की हो गई है। कब आए कब नहीं कोई बात नहीं। और इसके अलावा 112 नंबर डायल किया था? हाँ, वो 112 नंबर था, गई थी वहाँ पे कोयला घाट गई थी, तो वहाँ देख भाल हुई, उसके बाद वो लौट आए। थाने में आपकी सुनवाई हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार। आपका बेटा कल से गायब है, आपका बहना है, कहाँ गया था? राशन लेने गया था। उसके बाद हमको लेने गया था, फिर वहाँ नहीं मिला। हमने आके हमने ढूंढते 12 बजे से ढूंढ रहे हमारा लड़का। हमको कितनी उम्र थी उसकी? 18। किसी पे आपको शक है? शक दो लौंडे से बात बातें पूरा करता, उन्हीं के दोस्त है। उनका दोस्त। तो अभी तक कोई फोन वगैरह कुछ आया है क्या? नहीं आया। स्विच ऑफ बता रहा, हमने 12 बजे से कल ढूंढ रहे हैं तो स्विच ऑफ मोबाइल कर दिया। पुलिस के पास आप गई थी? हाँ गई थी। पुलिस ने आपकी कार्रवाई करी थाने में? नहीं करी। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं उसके फोटो ला दुनिया की बताना। 12 नंबर दर्ज किया, कोयला घाट गई, फिर गई फोन जांच करके साइकिल उठवा के धर के लौट गई। पुलिस ने आपसे फोटो मांगी तो आपने फोटो देने गए थे? हाँ सर। उसके बावजूद कार्रवाई हुई कि नहीं? अब कार्रवाई कोई नहीं सुन रहा। बता रहे